एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ विषय संस्कृत का पुस्तकालय विषय पर निबंध लेखन। जैसा कि आप सभी को पता है, निबंध लेखन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे पुस्तकालय विषय पर निबंध लेखन। इससे पहले हमने विभिन्न विषयों के निबंध लेखन देख रखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होती है, वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम पुस्तकालय विषय पर निबंध लेखन। चलिए देखते हैं। मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। मानव के बौद्धिक विकास के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय जो है यानी लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अस्माकं ग्रामस्य सार्वजनिक स्थाने एक पुस्तकालय वर्तते। हमारे गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक पुस्तकालय स्थित है। अत्र विविध विषयानां पुस्तकानि सन्ति। विविध विषयों से रिलेट जो पुस्तकें हैं वो वहाँ पर हैं। अस्मिन् पुस्तकालये जना दैनिक समाचार पत्राणि पठितुम् अपि आगच्छन्ति। हमारे जो पुस्तकालय में हैं लोग दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के लिए आते हैं। अस्य पुस्तकालयस्य भवनम विशालम रमणीय च वर्तते। हमारा पुस्तकालय भवन जो है वो बहुत बड़ा और रमणीय स्थान है। अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते। एक वाचन घर भी है इसके समीप। यत्र बहव जना छात्र युवतस्य प्रतिदिनम आगत्य स्वाध्याय कुर्वन्ति। अपना खुद का अध्याय पढ़ने के लिए युवक हैं वो प्रतिदिन वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। अस्य पुस्तकालय से सर्वे जना प्रशंसा कुर्वन्ति। इस पुस्तकालय की सभी जन जो सभी लोग हैं प्रशंसा करते हैं। अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते। हमारे यहाँ एक आदर्श पुस्तकालय स्थित है। मम विद्यालय अपि एक पुस्तकालय अस्ति। मेरे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय स्थित है। वयम तत्र पठाम। जहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से डन होता है पुस्तकालय विषय पर निबंध लेखन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे अलावा और भी विषय से रिलेट हम निबंध लेखन, प्रार्थना पत्र और भी इंपॉर्टेंट विषय से रिलेट आपके टॉपिक जो है उन्हें लेकर आते रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।